कंपनी है बीडीओ साहब के द्वारा। बीडीओ साहब ने आगे जी 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 अब आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मिट्टी ट्यूशन पढ़ाते हैं। 317 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसकी सूची हम लोगों के द्वारा पहले ही 2 महीना पहले उपलब्ध करवा दी गई थी। झाझा में 163 लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है। ट्राईसाइकिल के अलावा जो हियरिंग एड्स है, इसके अलावा बच्चों का जो ट्राईसाइकिल होते हैं, वो इस तरह के जितने भी सहायक उपकरण थे उनके वितरण किया। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए इस वक्त हम झाझा के अंचल कार्यालय में खड़े हैं और आप हमें पीछे की तस्वीरें हमारे पीछे देख लीजिए। एडिप योजना के तहत आज एक कैंप लगाया गया है प्रखंड कार्यालय झाझा में, और झाझा बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार के सौजन्य से कह सकते हैं आप कि उनकी कड़ी मेहनत के बाद लोग दिव्यांगजनों की उन्होंने समस्या सुनी और इस बात को आगे रखा और वरीय पदाधिकारियों की मदद से जो केंद्र सरकार की योजना एडिप योजना उसके तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मिली है। इसके अलावा जो लोगों को सुनने की समस्या थी उन लोगों के बीच जो हेयरिंग एड्स होते हैं उसको भी वितरण किया गया है। जो कान में सुनने की जिनको समस्या होती है उसके तहत जो मशीन आती है टेक्निकल उसको वितरण किया गया है। और इसके अलावा जो दिव्यांगजन है उन लोगों को कितनी तरह की परेशानियां होती थी जब ट्राईसाइकिल उनके पास नहीं था, हमने उनसे भी बातचीत की है। और इस कैंप के द्वारा आज सैकड़ों लोगों को लाभ मिला है। हालांकि आज 28 तारीख है और झाझा में ये कैंप लगाया गया है, इसके अलावा कई प्रखंडों में भी लगाया गया है। झाझा प्रखंड के कुल 163 दिव्यांगों को इसका लाभ मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़, जमुई। एक्चुअली एडिप योजना के तहत बिहार केंद्र सरकार की जो एडिप योजना है उसके तहत यहाँ पिछले साल जून में दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें एलिम्को की टीम कानपुर से आई थी, जिनके द्वारा सिलेक्शन किया गया। उसमें 317 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसकी सूची हम लोगों के द्वारा पहले ही 2 महीना पहले उपलब्ध करवा दी गई थी। इन 317 लाभार्थियों में झाझा, सोनो और गिद्धौर तीनों ब्लॉक के लाभार्थी इसमें शामिल हैं, जिनको आज वितरण किया जा रहा है। लगभग 50% लाभार्थी का के बीच वितरण किया जा चुका है, और शाम तक जो बचे आएंगे लाभार्थी उनको भी वितरण किया जाएगा। झाझा में कुल कितने? झाझा में 163 लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है, लगभग उतना नाम थे यहाँ। इसमें ट्राईसाइकिल के अलावा जो हियरिंग एड्स हैं, इसके अलावा बच्चों का जो ट्राईसाइकिल होते हैं, वो इस तरह के जितने भी सहायक उपकरण थे उनके वितरण की जा रही है। क्या नाम है आपका? दौलत कुमार, खैरन, बजला पंचायत। आज आपको ट्राईसाइकिल मिला है जी? रूप से जी, कहीं कुछ पैसा लेने की नहीं, नहीं कहीं कोई पैसा नहीं। ये एलिको एलिम्को कंपनी है बीडीओ साहब के द्वारा। बीडीओ साहब ने जी 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 पहले आने जाने में थोड़ा बहुत असुविधा होती थी, अब आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मिट्टी क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं, बी एड क्लास तक पढ़े हैं। मतलब कैसे जाते थे? पहले जाते थे दूसरे के मदद से, या तो किसी, अब अपने ट्राई साइकिल से चले जाएं। ग्रामीण शिक्षक जी, ट्यूशन पढ़ाते प्राइवेट।